हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो आज टेस्ट हुआ था अर्थात 25 अगस्त को जो टेस्ट शेड्यूल था RSM SSB लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए जो टेस्ट हुआ है, आज हम लोग उस टेस्ट पेपर की जो है वो एनालिसिस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल इंडिया फुल मॉक टेस्ट नंबर 12 था जो आज हुआ है, 25 अगस्त को हुआ है। 11 बजे से स्टार्ट था और 2 बजे जो है वो दोपहर में ख़त्म हुआ है। इस टेस्ट की अगर हम लोग बात करें, अगर एवरेज हम लोग लेकर के चलें कि कितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट किया था, तो 6849 जो है स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर बैच के अंदर जो है वो हैं, लेकिन उनमें से 306 स्टूडेंट ने ही जो है इस टेस्ट को दिया है। जो एवरेज टाइम है वो 2.5 घंटे का मैंने रखा था, हालांकि मैंने 3 घंटा अनाउंस किया था, बट पेपर का टाइमिंग 2.5 घंटा ही रखा था, लेकिन उसमें भी जो है वो 43 मिनट जो है वो एवरेज टाइम है जो आप लोगों ने लिया है करने के लिए। अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो 300 नंबर का हमारा पेपर था, जिसमें से 147.51 जो है वो एवरेज स्कोर है जो आप लोगों के द्वारा गेन किया गया है। और ग्रेड की अगर हम लोग बात करें तो एवरेज ग्रेड जो है वो बी है, जिसमें आपके टेस्ट के जितने भी रिजल्ट्स आए हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स ने दिया है, उनका जो एक एवरेज है वो लगभग बी पर ही जो है वो पहुंच रहा है। अब ये तो जो है एक टेस्ट एनालिसिस है, और ये एक सिंपल सा जो है वो चार्ट हम लोग देख रहे हैं। अगर मैं ग्रेड ए की बात करूं तो ये हमारे ग्रेड ए वाले जो है वो स्टूडेंट्स हैं। देखिए ग्रेड बी वाले स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा हैं, इसी वजह से यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो आपका ग्रेड बी जो है वो शो हो रहा है। ये ग्रेड सी वाले हैं, ये डी वाले हैं, ये ई वाले हैं, और कई जो है ग्रेड एफ वाले भी इसके अंदर शामिल हैं, कई स्टूडेंट्स जो है वो इसमें शामिल हैं। तो ये जो है वो बेसिकली जो है एक प्रारूप था आज के टेस्ट में जो है कैसे हमने क्या किया है ओवरऑल सभी के साथ ये सम्मिलित रूप से। अब अगर मार्क्स के हिसाब से देखें तो 306 स्टूडेंट्स के मार्क्स को यहाँ पे इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स को शो करना थोड़ा सा जो है वो टाइम टेकिंग होगा, क्या पता आप लोग इसमें बोर फील करें। तो मैं जो ग्रेड ए वाले स्टूडेंट्स हैं केवल उनके ही मार्क्स जो है वो आप लोगों को शो करना चाहूँगी, जिससे आप लोगों को बोरियत भी फील नहीं हो और हमारा जो ये वीडियो है वो बहुत लंबा भी ना बने। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं मेरे पास जो रिज़ल्ट है उसमें अगर मैं टॉपर की बात करूं, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा रेनू चौधरी जो है वो 270 नंबरों के साथ जो है वो ए ग्रेड पे हैं, यानी कि इनकी रैंकिंग 1 है। मैं यहाँ से हटाती हूँ एक बार। पुखराज जो है वो सेकेंड पे हैं, विकास बिश्नोई थर्ड पे हैं, वीरेंद्र कुमार पंचोली फोर्थ, जितेंद्र कुमावत फिफ्थ, सतनाम सिंह सिक्स्थ, पीके यादव सेवेंथ, समता दाधीश एट, सुरेश कुमार नाइन्थ, कौशल मीणा टेन, सतीश इलेवन, राजवीर सिंह नरुका ट्वेल्व, किरोड़ी लाल थर्टीन, पूजा मीणा फोर्टीन, रामदयाल कीर फिफ्टीन, सुनील 16, मनीष 17, सुरेंद्र 18, ओके निकी 19, जेठू सिंह 20, दिनेश गोधारा 21 नंबर पे हैं, सुमन शेखावत 22 नंबर पे, हेमेंद्र सिंह 23, प्रियंका 24, कमलेश भास्कर 25, विजय सिंह 26, दीक्षित 27, भूवी 28, अक्षय 29, अनिल कुमार मीणा 30, सुनीत 31, मिलन भट्ट 32, गोपाल डोगीवाल 33, दाऊद 34, श्रीपाल सिंह 35, दयाराम 36, कमलेश यादव 37, मयूर 38, मैजिक ऑफ मेकर मैंने आपको पहले भी बोला था आप एक बार नाम चेंज कर लीजिए 39, ज्योति 40, जय नारायण 41, ज्योत्सना 42, बिरखा 43, कान सिंह 44, बलवंत सिंह 45, गगन गिल 46, गगन थोड़ा सा और आगे आने की कोशिश करो, मदन 47, रसपाल कौर 48, विकास शर्मा 49, ममता चाहर 50,
अभी 51, मधु मित्रा 52, सोनिया 53, मुकेश चौधरी 54, दीपक मेघवाल 55, सवाई राम 56, रमेश कुमार 57, राजेश 58, दिनेश 59, इंद्राज 60, देव 61, रजत कुशवाहा 62। रजत, आपकी रैंकिंग काफ़ी नीचे चली गई, जबकि आप टॉप 10 में हमेशा आते हैं। शाहरुख 63, सुनील 64, मुकेश कुमार सैनी 65, विवेक 66, कविता 67, नारायण भाटी 68, जय मीणा 69, सुशील विश्नोई 70, कविता 71, जसवंत 72, उषा 73, पूनम चौधरी 74, पवन सिंह 75, युवराज भट्ट 76, पवन मून 76, सामेश्ता 77, आनंद कंवर 78, नौरंगी 79, कार्तिक 80, शिवानी 81, चंद्रप्रकाश 82, सुमन 83, निर्मला यादव 84, प्रेम डांगी 85, अजय जोशी 86, राम 87, राजू प्रजापति 87, रविंद्र 88, मनोज कुमार 89, जगदीश पाटीदार 90, एस के चौधरी 91, कृष्णा 92, रमेश कुमार यादव 93, हरिमोहन सैनी 94, वीरेंद्र सिंह 95, नरेंद्र चौधरी 96, विक्रम सिंह 97, गौरव टाक 98, कमलेश कुमार मीणा 99 और अशोक जो है वो 100 नंबर पे हैं। तो ये जो है टॉप 100 का जो है मैंने आपको एक बार नाम अनाउंस कर दिया, और आप लोग इसमें देखेंगे कि इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पिछले एग्जाम्स में जो है वो टॉप स्कोरर थे, अभी काफ़ी जो है वो बाइफर्केशन देखा गया, जबकि जो पेपर था, अगर आप मुझसे पूछें कि पेपर का लेवल आज के पेपर का क्या था, तो पेपर का लेवल बिल्कुल लो हमने दिया था। आज का पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था और मीडियम भी नहीं कह सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग जो है आज के पेपर को मैं लो और रैंकिंग में रेट कर सकती हूँ, बहुत मॉडरेट पेपर था। उसको अगर आप लोग करते अगर करेंगे तो और आप उसको अच्छे से देख पाएंगे। तो जितने भी न्यू कमर्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स आज टेस्ट सीरीज में शामिल हुए हैं, होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि टेस्ट सीरीज किस तरीके से होती है, और कितने लोगों का मुझे पता है कि आज ट्रायल में ही निकल गया होगा, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत सारे बच्चों ने नए स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है उस पर और डाउनलोड किया है। हो सकता है अभी आज का पेपर आपका ट्रायल में निकल जाए, अगले पेपर के लिए आप लोग तैयार हुई है। तो अगला पेपर मैंने जैसे आपको स्ट्रेटजी बनवाई है, 26, 27, 28 और 29, 4 दिन का समय है आपके पास। सेकेंड यूनिट को जितने अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं उतने अच्छे से आप तैयार कीजिए, और 30 तारीख को वापस पुनः हम 30 तारीख को जो है सुबह 11 बजे सेकेंड यूनिट का एक पेपर अपलोड कर देंगे, जिसको आप लोग खूब आराम से कीजिएगा। अभी सेकेंड यूनिट का जो पेपर मैं अपलोड करूँगी, चलिए कोई नहीं, अभी तो पहले आप लोग जैसे मैंने बनाया एक बार वो कीजिए, देन उसके बाद फिर हम बात करते हैं। कुछ और भी स्ट्रैटेजीज मेरे दिमाग में हैं, बट आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगी, जो जैसे चल रहा है अभी वैसे चलने दीजिए, लेटर ऑन फिर हम बात करते हैं आगे के रिजल्ट्स वगैरह देख करके, फिर हम आगे के स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे की तैयारियों में आप लगिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, बाय।